कदर 10 पीसेस मिला शाम के लिए, क्योंकि हमारी सनत का ज़्यादातर इंसार काम माल मशीनरी और दीगर ज़रूरी अशिया की दरामद पर है, इससे हमारी कारोबारी या पैदावारी लागत बहुत बढ़ गई है। इस डीवेल्युएशन की सबसे बड़ी वजह बढ़ता हुआ तजारती खसारा है, जो कि जुलाई से अक्टूबर 2021 के दौरान ही 15 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। डीवेल्युएशन को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को गैर ज़रूरी लकड़ी अशिया की ना सिर्फ कमी करने की ज़रूरत है, बल्कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ सबके बहुत से प्रोजेक्ट्स को बैन कर देने की ज़रूरत है। स्टेट बैंक को एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने के लिए अपना पाल किरदार करना अदा करना होगा। चीन से हमारी दरामदात तकरीबन 13 अरब डॉलर है, इसलिए तजारती खसारा काबू पाने के लिए हुकूमत को चीन के साथ करेंसी स्वैप पर बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए। और इस सिलसिले में बिलखसूस लहजा के तमाम अंदराज से रिक्वेस्ट करूँगा कि करेंसी स्वैप एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको एक लॉबिंग करनी है, आवाम में शऊर पैदा करना है और हमारे इलाके मिनिस्ट्री तक इनका एग्जाम बने, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यही चाहता है, बल्कि सारे मुल्क की मैं समझता हूँ बका इसी में है कि हम करेंसी स्वैप्स पे जाएँ, डॉलर की जाने के ज़्यादा कमी हो सके इस्तेमाल की। ट्रेड डेफिसिट कम करने पर खसूसी इकदाम करने होंगे, इसके लिए हमें दरामदात में कमी के साथ साथ वैल्यू एडेड मसनूआत की बरामदात बढ़ाने पर खसूसी तवज्जो देनी होगी। इसके अलावा लग्जरी और नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स को हमें बैन कर देना चाहिए। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट की, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा चंद दिन पहले रजाक दाऊद साहब जब तशरीफ लाए थे तो उन्होंने भी एक टेंट का बड़ी इंटरेस्टिंग मफूजा किया कि हम 10 तकरीबन 10-12 मुल्क हैं और तकरीबन 10-12 प्रोडक्ट्स हैं जो कि रवायती तौर पर पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमें इस विश्व सर्कल में सेट करना होगा और हमें नई प्रोडक्ट्स नए मुल्कों में करनी होगी नॉन कन्वेंशनल तरीके से। बरामदात में इजाफे के लिए हमें अपने SME सेक्टर के किरदार को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है, और ऐसा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब इन्हें तरक्की के लिए साजगार माहौल बुनियादी कारोबारी सहूलियात की फरहमी यकीनी बनानी चाहिए। इस वक्त SME सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस में सबसे बड़ा मसला फाइनेंस तक रसाई ना होने का है। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का सिर्फ 6% SME से इस्तेमाल करती हैं। हुकूमत को इस शोबे की मालियत को मसाइल को हल करने के लिए मजीद इकदाम करने होंगे। महंगाई में तेजी से इजाफा मीशत के हर शोबे को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। अक्टूबर 2021 में इन्फ्लेशन की शरह 9% से ज्यादा रही। इसकी बड़ी वजह एक्सचेंज रेट में मुसलसल कमी, दुनिया में खाम तेल की कीमतों में इजाफा और हमारी दरामदात पर बढ़ता हुआ इंसार है। मैं समझता हूँ कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को तवानाई के रिन्यूएबल सोर्सेज पर इंसार बढ़ाना होगा, जिससे दरामदी तेल की जरूरत में वाजे कमी आए। इसके साथ साथ फूड इन्फ्लेशन को कम करने के लिए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को मजबूत और मौसर बनाने की भी फौरी जरूरत है, जबकि जखीरा दोजी और गैर कानूनी मुनाफा पूरी करने वालों के खिलाफ सख्त और गैर इम्तियाजी कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारी बरामदात में इजाफे के लिए हमें मीशत को गैर रवायती पोटेंशियल सेक्टर्स खास तौर पर फार्मास्यूटिकल्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और हलाल फूड पर ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट आइटम्स में डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ मार्केट डाइवर्सिफिकेशन जो मैं पहले भी कह चुका हूँ उसकी अशद जरूरत है। लुक अफ्रीका के नाम से हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है ये बहुत अहम है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकन मुल्कों में और सेंट्रल एशियन मुल्कों के अलावा इनमें जा सकें। मुल्क की मीशत पर बात करना शुरू करें तो मैं समझता हूँ ये कभी भी ख़त्म ना होने वाला मौसम है, इसलिए मैं चाहूँगा कि अब आप दोस्तों को मौका दूँ आप इन मसाइल के हवाले से अपना नज़रिया हमारे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। और मैं मेरे तकरीबन से एक मरतबा फिर रस्मी तौर पर तो मैंने तकरीब में कहा आप सबका तहे दिल से मशहूर हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लाहौर चैम्बर की के जो हम नुमाइंदे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं सोमा सदर हूँ लाहौर चैम्बर का, हमारी बुनियादी आवाज़ आप लोग हैं। हमने जो भी बात कहनी होती है क्या आप सब दोस्तों की सपोर्ट में ना दरकार हो तो और ना अवेलेबल हो तो हमारी आवाज़ ना तो ईवानों तक पहुँच सकती है। यू कैन ऑलवेज कम इन, कोई आपको कहने की जरूरत नहीं है।
वैसे तो शाहिद साहब आपके लिए माशाल्लाह जो आपके साथ मुझे एसोसिएशन है और जो हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के साथ जो मदर साहब बैठे हैं, राशिद साहब बैठे हैं, ये ऑलरेडी आप लोगों के साथ बड़े एफिलिएटेड हैं, मगर हम लोग ऑफिस बेयर्स अपनी किसी कैपेसिटी में आप लोगों की हेल्प कर सकें, कुछ भी कर सकें इंटरनल पर्सनल कैपेसिटी आपके इदारे के हवाले से, क्योंकि आप हमारे बाजू हैं और आप हमारी बेसिकली अगर हम बोलते हैं तो आप हमारी आंखें हैं जो लोगों को दिखाते हैं। तो इसी वर्ड्स के साथ आई विल अगेन वेलकम यू टू लाहौर चैंबर, वी आर ऑलवेज देयर, और हमारा भी तो इंशाल्लाह पूरा जो टेन्योर पड़ा हुआ है तो हम रिक्वेस्ट भी करेंगे और साथ में उम्मीद भी करेंगे कि आप जिस तरह अभी तक हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं और इकोनॉमिकली बड़े मुश्किल हालात हैं उसके अंदर आप भी हमारा साथ देंगे, और जो आपने जिस तरह आपने बताया लहजे बनाने का मकसद है कि पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी, दिस इज द ओनली मिशन एंड विजन, तो यही हमारा जो मिशन और विजन है कि प्रोग्रेसिव किस्म का पाकिस्तान हो, प्रॉस्पेरिटी हो, तो वी आर ऑलवेज देयर और हम लोग इंशाल्लाह मिलकर इस मिशन की तरफ अपना काम जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब। तब मैं सुदीप साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खुद ही संभाले और क्वेश्चन आंसर का ये सेशन है तो वो जिन दोस्तों को मौका जी। बहुत शुक्रिया तमाम ऑफिस बेयर्स का लेचर की अपनी अपनी तारीफ कर दी कि मैं खुशी से कर रहे हैं, हम दुनिया के जा रहे हैं, आप ऐसी शख्सियात या आप ऐसी कर रहे हैं कि जो सही हमें बता सकते हैं वैसे ऐसी तौर पर इस वक्त सुनकर कह गया, तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं कि जहाँ हम 2018 में खड़े हैं वहाँ आज हम खड़े हैं या उससे बेहतर पोजिशन पर आ गए हैं, या कोई ऐसी सजेशन जो आप समझते हैं ये कर लिया जाए तो हम मजीद बेहतर बेहतरीन तरफ जा सकते हैं, कोई ऐसी सजेशन आपके जो आपको मीडिया के जरिए कन्वे करना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू जाहिद, आपसे इतना पुराना ताल्लुक है और आपने इतनी अच्छी बातें की, मशहूर स्पेसिफिकली आपने जो सवाल किया उसका जवाब भी इसके प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम बड़ी मुखसाना कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उन कोशिशों का ट्रिपल डाउन इफेक्ट आम आदमी तक नहीं पहुँच रहा। बहुत से लोग मैं ऐसे आपको ऑफ द रिकॉर्ड से मिसाल दूँगी, अपने ड्राइवर को ड्राइवर बड़ा डार साहब के तरीके का रहा है, ये हुआ वो हुआ, उन्होंने आटो कुछ भी डॉलर में रोक किया तो वो कहते थे इसे रह गए लोग ने ना उसके तो वहाँ पे उन्होंने सीपैक की स्टार्टिंग डेट तो बताई, मैंने वाइस प्रेसिडेंट चाइना से पूछा कि सर व्हाट डू यू सी के ये इसकी एंडिंग डेट क्या है, कहते देयर इज नो एंडिंग डेट, जब तक हमारे साथ मुल्क इस रोड के ऊपर ऑन रोड होते रहेंगे तब तक ही चलता रहेगा, इसका मतलब है कि वो उसको फोर्स ही कर रहे हैं कि दैट इज देयर गेम चेंजर। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों की क्या बेसिक सक्सेस है, जो बेसिक सक्सेस, कहते जी हम हर 5 साल बाद एक प्लान बनाते हैं और ये कॉन्टिन्यूसली हमारा 13वां 5 साल का प्लान इम्प्लीमेंट, इसका मतलब 65 साल से वो एक पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं, चाइना की ग्रोथ का रेट देखें, उधर के तमाम लॉज देखें, तो देर शुड बी एन इकोनॉमिक पॉलिसी जो तमाम हमारे स्टेक होल्डर्स जितने भी अभी SVP साहब ने जो प्रेजिडेंट साहब ने बातें की, क्योंकि हर गवर्नमेंट आती है वो अपना एक निवेजन ले आती है, जिस तरह इधर डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो है इदारे का, बट कुछ चीज़ें हैं इस इदारे के अंदर वो चेंज नहीं होती, वो इस उस अदारे के साथ वो चीज़ें मुंसलिक रहती है हमेशा, प्रेजिडेंट साहब का विजन होगा प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की एक थीम लेके आए हैं, उसके अंदर जो भी नया प्रेसिडेंट आएगा वो भी एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ ही आएगा ना, कोई जो भी सोचेगा कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काम होने चाहिए, इकॉनमी को बढ़ना चाहिए ना, ब्लॉसम करना चाहिए, तो आई विल रिक्वेस्ट हमारे ऑनरेबल आप सारे सीनियर जर्नलिस्ट है कि इसके ऊपर एक पॉलिसी जरूर बनाएंगे, एक वेव जरूर बनाएं कि नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करते हुए, उससे हमारा एक शॉर्ट टर्म गोल बना लें, लॉन्ग टर्म गोल बना लें, क्योंकि हमने इस मुल्क में ही रहना है, इस मुल्क में ही खाना है, इस मुल्क में ही जीना है, या तो फिर सारे भाई चले जाएँ जिस तरह एक ग्रुप बनता जा रहा है, तो इसके ऊपर जरूर आप लोग हमारी जो साफी बनाती है इसके अंदर जरूर अपना रोल प्ले करेंगे, तमाम मीडिया स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड लें, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड लें, तो ये नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ हम जरूर जाएँ। एक छोटा सा सवाल समझने के लिए, आपने करेंसी स्वैप की बात की, थोड़े सा हमें इस सवाल से गाइड कर दें कि ये चाइना के अलावा कौन कौन से कनाडा और साउथ अमेरिका के जितने मुल्क हैं, ठीक है जी, नॉर्थ अटलांटिक वाले सब इकट्ठे हो जाओ, इसी तरह पाकिस्तान में अगर हमारा आवाज तो
साठ का बहुत उमदा तरीके से हुआ, लेकिन हम हिंदुस्तान के सियासी स्टेटमेंट के लिए भूल जाते हैं फिर तो हमारे डिफरेंसेज हैं और कुछ भी इशूज हैं, लेकिन बका रीजनल ट्रेड नहीं है। तो इसलिए हमें जो करेंसी स्वैप करना है सबसे पहले तो चाइना, चाइना तफाकत हमारा साया उनकी और सबसे बड़ा हमारा ट्रेड डेफिसिट भी उसके साथ है, $13 अरब का हम सालाना उसने आप सोचें सालाना अगर 13 अरब US। आपने बात की करेंसी स्वैप की चाइना के साथ, ये ऑलरेडी पैदा हो चुका हुआ है, स्टेट बैंक ने बकायदा इसके ऊपर काम किया हुआ है, लेकिन वो मसला वही आ जाता है बीच में फिर वो डालने वाले आ जाते हैं तो वो अमेरिका जो है हम चूंकि उसके बहुत नीचे लगे हुए तो फिर वो इसलिए भी मुमकिन नहीं होता अभी तक, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसी कोई इनकी पॉलिसी कामयाब हो जाए, इस तरह की बन जाए। उसके लिए उन्होंने एक हुजम भी तजवीज़ किया था कि हम जो करेंसी स्वैप है चाइना के साथ वो किस लेवल पर जाके करेंगे, और फिर कुछ उन्होंने नॉमिनेशन भी की थी कि इस लेवल के जो हमारे जो हो गए ये करेंसी वाले वो भी इसमें शामिल हो गए, तो ये इस वजह से हुआ है। तो जब तक तो हम IMF के और अमेरिका के तसल्लुत में हैं ये मुमकिन नहीं हो सकता कि वो ऐसा होने दें। इंडिया का भारत के साथ, इंडिया का ईरान के साथ ऑलरेडी है पार्टी सिस्टम भी है और बाकी भी है सारा सीधा, तो ये चीज़ें आज़ाद होने पर होगी, हम अभी तक आज़ाद भी हो जाए मुकम्मल तौर पर मुआशी तौर पर। डॉलर की कीमत बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, आय की कीमत बढ़ेगी, आपकी बिजली की कीमत बढ़ेगी, तुम्हारा बिजली गैस की कीमत बढ़ेगी, और फिर जब ये चीज़ें बढ़ जाएंगी तो कोई मुझे ऐसा अलादीन का चिराग दिखा दे, कोई फार्मूला दिखा दे, कोई महंगाई को महंगाई में बिल्कुल सख्ती नहीं। जब भी बात करते हैं पूर्ती नुमाइंदों से ये कहते हैं वाह महंगाई तो है, कोशिश कर रहे हैं तो 3 साल हो गए ऊपर चला गया, कोशिश कभी नजर नहीं आ रही, दिन ब दिन हालात बुरे होते जा रहे हैं, गरीब मरता जा रहा है। मेरे पास एक रुपया तो मैं महंगाई उसको 1 करोड़ की आई से देखूंगा, मुझे वो शायद ना लगे महंगाई, किसी पास 1 लाख रुपया तो उस नजरिए से उसको महंगाई को डिस्कस करेगा, तो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसने सुबह कमाना है रात को लाकर बच्चों को दे देना है तो वो बेचारा तो मर गया ना। तो ये सारी चीज़ें आपको भी इस पर काफ़ी जोर देना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि प्रेसिडेंट साहब जो हमारे इमरान खान साहब ने दिया था बहुत बड़ा अच्छा है, उनकी नीयत बड़ी अच्छी है, उनकी टीम की नीयत, तो फिर कसूर कहाँ पर है, उससे कहाँ पर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा, इससे ज़्यादा होता है कि ना भी उनकी नीयत है और ना ही करना चाहते हैं। ये आप लोगों के दबाव में शायद करें लेकिन आप डालते नहीं उतारा डाल दबाव कोई भी नहीं डालता, किसी हद तक जाते हैं रुक जाते हैं, हम भी उसी को दे रहे हैं जो आपने कह रहे हैं, अपने तौर पर हम लिखते हैं अपने तौर पर हम सारा कुछ भी करते हैं, लेकिन बात यह है देखना जब जैसे शौकत तरीन साहब का मैं तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, मुझे इतना दुख हुआ कि इतने बेबस हैं वो, यही वो गवर्नमेंट को पूछो कि तू आप धीरे मुझे खिलाना है भाई बोले के धीरे खिलाना है किड़ी गवर्नमेंट पूछिए, और साथ ये भी कह रहे हैं कि सट्टाबाज है और 8 से 9 रुपये वो सट्टाबाज लेके जा रहा है बीच में, तो अगर सारा कुछ आपको पता है सट्टेबाज भी है गवर्नमेंट भी सारा कुछ है तो वो किस किसने रोकना है, या फिर हमें चार दे कारोबारी लोगों को चार बजे हम रोक लेंगे जाकर उनको, मकसद कहने का ये कि जो चीज़ें जिसके करने की हैं वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई उसको हम करने को तैयार नहीं है, तो आप इसका ये आफ्टर ऑल इसका इफेक्ट फिर आ गया है। आप जैसे रिमान अजीत साहब ने कहा कि अगले 10 साल, मुझे तो लगता है कि 20 साल भी ऐसे ही मामला चल रहा है, ये चीज़ें होने वाली नहीं है, तो वह ये चीज़ें हैं तो इसको देख कर आपने आपने शिक्षक जितनी बातें की हैं वो सब सच हैं, लेकिन वो सारी सोसाइटी से ताल्लुक जिसमें ताल्लुक सोसाइटी में मैं भी हूँ, आप भी, इमरान खान भी है, शौकत तरीन भी है, हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं, दुख की बात यह है कि जो काम कर सकते हैं वो नहीं कर रहे, लेकिन मैं फिर एक मरतबा कुछ वो रस्मी बात नहीं दिल की गहराई से कहूँगा बाखुदा ये जहाद आप जारी रखें, करेंसी स्वाप के बारे में ना हर मीटिंग में जितनी आपकी आवाज़ है हकीकत है मेरी उतनी आवाज़ नहीं, आप हर मीटिंग में हर प्रेस ब्रीफिंग में किसी भी मौजू पे कोई गुफ्तगू हो तो हमें ये डॉलर से जान छुड़ानी चाहिए, ठीक है इंटरनेशनल करेंसी है इंटरनेशनल डीलिंग्स मशीनरी बोर्ड इसके थ्रू हो, लेकिन चाइना ईरान और ईरान अगर साथी और एक हिंदुस्तान अमरीका का सबसे बड़ा पार्टनर है उसके बावजूद अगर वो ईरान के साथ कर रहे हैं तो हम क्यों निकल रहे, और आपने सही कहा है कि ठीक है हम चंगल में हम सबको पता अमरीका का चंगल में है अमरीका का प्रेशर होगा वगैरह वगैरह, लेकिन अमरीका का प्रेशर बाकी सब मुल्कों में भी है, इसमें हमें खेल सारी आवाम में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि, और मुझे कभी यकीन है जब सारा पाकिस्तान जब एक ही आवाज़ बना लेगा कि नहीं जी निकलो इस चंगल से और करेंसी स्वाप करो
तो ऑटोमेटिक कुछ जरूर होगा।